सो गाइस यहाँ पे है मेरी चैरी जिसको अभी वैक्सीन पड़ेगा, वैक्सीनेशन टाइम हो चुका है इसका। सो सबसे पहले गाइस हम इसका वैक्सीन निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गाइस देखो इसका वैक्सीन रखा हुआ है, यहाँ पे वैक्सीन जो कि फ्रीज में ही रहता है हमेशा। ये जो वैक्सीन आता है जो कि डॉग को फर्स्ट वैक्सीन पड़ता है वो मतलब फ्रीज में ही रखा जाता है, ठीक है। और चलो अब हम इसको पहले लेके चलते हैं, जो सुई देंगे इसको उनको दे देते हैं और ये दे देंगे उनको। ये दे सैंडी, ओ फोकस हो जाए। चलो अभी चलते हैं वहाँ पे उसको लेके बाहर, उसके बाद देखते हैं वीडियो करते हैं। सो फाइनली अभी हम वैक्सीन लेके चलते हैं इसको लेके बाहर, और इसको अभी फर्स्ट वैक्सीनेशन पड़ेगा। ये हो चुकी है 40 डेज की, तो इसको फर्स्ट वैक्सीनेशन पड़ेगा। सुबह से यहाँ पे आ चुके हैं वैक्सीन देने के लिए। यहाँ पे हम इसको रख दिए हैं, अब इसको देखो फर्स्ट वैक्सीनेशन करेगा। 40 डेज की हो चुकी है, सो अब ये मेडिसिन बनाएंगे। ओए गिर गई है चैरी 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 चैरी। ओए 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 ओए, इसको डर लग गया। ओए डरती क्यों है, चल 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 आते। ओए रुको 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 रुको, इसको वैक्सीन दे दीजिए भैया। ओए सैंडी रुक, इसका इसका। सो वहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे वैक्सीन जो है वो अभी बनेगा, उसके बाद चेरी को पड़ेगा वैक्सीन। यहाँ पे किट्टू भी आके खड़ी है, ले किट्टू इसको रख यहाँ पे रख रख। सो फर्स्ट वैक्सीनेशन इसका पड़ेगा, और जो भी है यहाँ देखो और फिर गिर गई। अबे यार कितना डर। सो सैंडी भी यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो दिखाते हैं आप लोग को, वैक्सीन रेडी हो रहा है, उसके बाद इसको पड़ेगा। सो हम देखेंगे कैसे पड़ेगा इसको, लोग देखना। चेरी फिर गिरेगी, बैठो साइड होके बैठो। चेरी को लगता है डर लग रहा है, पता नहीं बट डर लग रहा है। ये सैंडी महारानी आ चुकी है इसको देखने के लिए कि क्या हो रहा है भाई। किट्टू भी आ गई, सो चेरी बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो गई है। यहाँ पे देखो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। एक रहता है लिक्विड फॉर्म में, यहाँ देखो दिखा देता हूँ। ओ भाई रुक, फोकस तो हो जा। एक रहता है देखो लिक्विड फॉर्म में, और एक रहता है पाउडर फॉर्म में। और सबसे पहले रहता है कि लिक्विड फॉर्म को पाउडर फॉर्म में मिलाना रहता है, उसके बाद मिक्स करके, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके तब इसको दिया जाता है डॉग को। सो अभी देखो वो लिक्विड फॉर्म निकाल के उसके बाद उसमें लग गया है, अब देखो उसको मिलाया जाएगा। वही प्रोसेस है, रुक किट्टू, सॉरी किट्टू चैरी रुको, इसको चलो हटा दो भाई, इसको भी हटा दो। ये रहा मेरा ट्राइपॉड, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेडिसिन बन चुका है। और इसको उसमें निकाला जाएगा, उसके बाद देख लेना इसको पड़ेगी चेरी को वैक्सीन, तब मजा आएगा। चेरी को क्या, चेरी चेरी डर रही है, यहाँ सैंडी बैठी हुई है। क्या हो चेरी, डरो मत डरो मत, रुक जाओ।
सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हो गया है वैक्सीन रेडी, जो कि सारा चीज़ रेडी हो चुका है, बस देर है तो चेरी को पढ़ने की, और ये तो खाली हो गया। सो गाइस मैं एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे मतलब जगहों पे सभी तरह का मेडिसिन दिया जाता है, मेगावैक, 6 मेगावैक, मतलब कि 9 in 1, 9, 11 in 1, 6 in 1, 7 in 1। तो मैं अभी अपने चेरी को दे रहा हूँ मेगावैक 6, जो कि 6 in 1 है, और इसमें देखो साफ साफ लिखा हो कैनाइन डिस्टेंपर एंड पार्वो वायरस वैक्सीन, जो कि ये सारी चीज़ बीमारी से बचाता है। और जो भी वैक्सीन रहती है उसमें कुछ ज़्यादा ज़्यादा रहता है कि कोई और बीमारी का भी रहता है, अभी तो फ़िलहाल मुझे ये मिला तो मैं फर्स्ट ये दिलवा लेता हूँ, ना दिलवाने से अच्छा कुछ भी दिलवा लो। सो गाइस अभी बस अब इसको पढ़ता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पढ़ता है। तो सॉरी गाइज, मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, और यहाँ ट्राईपोड भी मैं जल्दी जल्दी में सेट नहीं कर पाया। सो गाइज अभी देखो यहाँ पे वैक्सीन पड़ चुका है मेरी चेरी को, जो कि चेरी को यहाँ पे वैक्सीन पड़ा है, और चेरी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी चिल्लाई भी। गाइज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी ये 9 in 1 या फिर 7 in 1 जो भी वैक्सीन होता है वो पड़ता है, उसके बाद होता क्या है कि डॉग को थोड़ा सा फीवर आ जाता है, एक दो दिन डॉग सुस्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपका जितना एक्टिव था उतना रहेगा नहीं, शांत हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा वैक्सीन जो है मेरे डॉग को पड़ गया है। और गाइस ये वैक्सीन जो होता है मतलब कि बहुत ही नेसेसरी होता है आपके डॉग को दिलाने से, देखोगे कि बहुत डॉग को हो जाता है पार्वो वायरस, बहुत सारा बीमारी हो जाता है, अगर वो भाई वैक्सीन नहीं करवाते हैं तो भी हो जाता है, किसी को तो वैक्सीन करवाते हैं तब भी हो जाता है, वो गाइस होता है क्या वो अपने नसीब का रहता है। लेकिन तब पर भी गाइस वैक्सीनेशन जो होता है वो अपने सुकून के लिए आप दिलवा लिया करो, जो भी कॉस्ट पड़ेगा, इसकी कॉस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वो लिखी भी रहती है, तो कहाँ है एक मिनट गाइस मैं देख के थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसका क्या रहता है, मतलब रेट कहीं तो रहता है इसका लिखा हुआ भाई, यहाँ देखो यहाँ 660 रुपये का प्रिंट रेट रहता है, अगर आपके कोई भी जान पहचान के हैं तो वो आपको डिस्काउंट कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। 660 रुपये और देने का 500 रुपये जो भी चार्ज लेते हैं, तो वो चार्ज लगता है, मतलब 7-750 के अप्रॉक्स आपके डॉग को वैक्सीन पड़ जाता है। ऐसे तो मेरी चेरी का वैक्सीनेशन डन हो चुका है, फर्स्ट वैक्सीनेशन, सेकेंड वैक्सीनेशन 21 डेज बाद पड़ेगा, इसी का बूस्टर डोज वो हम आप लोग को दिखा देंगे कि बूस्टर डोज कैसे पड़ेगा। सो गाइस मैं वीडियो बना दिया क्योंकि आप लोग के भी डॉग को मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन दिला दिया करो, वैक्सीन दिलाने से आपका डॉग सेफ रहेगा, आप सेफ रहोगे, खर्चा एक बार लगेगा, जो लगेगा बीमार पड़ने पे उससे ज़्यादा लग जाएगा। सो गाइस अभी हम देते हैं चेरी को, नीचे उतार चेरी, चो भागो चेरी चेरी चेरी, जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, ये देखो ये देखो, ओ चली गई सारी। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।